नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे तीन बेहतरीन बैंकिंग स्टॉक्स जिसमें आपको बाइंग करना चाहिए इस गिरावट में। काफी बेहतरीन, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले ये तीनों स्टॉक्स हैं और बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको कल गिरावट में इस स्टॉक्स को बाय करने का। देखिए, क्योंकि निफ्टी जो है उसमें कल फिर से एक बड़ी गिरावट हो सकती है, कम से कम हम गैप डाउन तो जरूर ओपन होंगे क्योंकि जो डाउ जोन्स है वो 1% से ज्यादा डाउन है। देखिए, जब ग्लोबल मार्केट डाउन हो तो निश्चित रूप से हमारा मार्केट भी काफी ज्यादा डाउन ओपन होगा। यहाँ देखते हैं जो डाउ जोन्स है वो 1.3% डाउन है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है डाउ जोन्स में। तो निश्चित रूप से हमारा मार्केट जो है वो मार्केट भी काफी ज्यादा यहाँ पर डाउन खुल सकता है। कल हम यहाँ पर जो है जो पिछले दिन का लो है जो 480 का है, 17,480, उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं जो भी निफ्टी में है चाहे अन्य स्टॉक्स है, उसमें भी आपको बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। तो उसी गिरावट में आपको फायदा लेना है। कल गिरावट हो, अगले दिन हो, जितना दिन भी हो, गिरावट के बाद जैसे रिवर्सल दिखाता है कभी भी, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो वो है HDFC बैंक और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 1415 रुपीज का है, मतलब 1415 रुपये का इसका सपोर्ट है। और उसके आसपास जब भी यहाँ पर आपको मिले, अभी तो ये काफी ऊपर है। देखिए, ये गिर करके आया था 1485 रुपये तक, तो जैसे यहाँ पर गिरता है तो गिरावट में आप इसको इस स्टॉक्स को बाय करना है, मतलब अभी आपको अपने वॉच लिस्ट में लगा लेना है। जैसे गिरावट होता है फिर से जैसे रिवर्सल दिखाएगा आप इसको बाय करते हैं। देखिए कब बाय करते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखिए साइडवेज हुआ था, पहले भी हमने इस स्टॉक्स को बताया था, तो यहाँ देखिए ये साइडवेज हो गया था, तो यहाँ पर लगातार गिरावट हुआ फिर ये साइडवेज हुआ, तो यही साइड है कि स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर जिन्हें भी बाय करना है वो बाय करते हैं। और फिर देखिए एक रैली हुआ, तो रैली के बाद देखिए फिर से यहाँ ऊपर साइडवेज हुआ, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो गिरावट में जैसे यहाँ पर मिलता है तो गिरावट के बाद जैसे साइडवेज होता है स्टॉक्स, आपको बाय करना है। देखिए ये स्टॉक्स जो है बहुत ही बेहतरीन, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है बैंकिंग सेक्टर के, आपका स्टॉक्स बाय करेंगे जो कि क्रैश हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है, इसको गिरावट में आप बाय करते रहिए, कभी लॉस आपको नहीं होगा। देखिए उसके बाद जो दूसरा स्टॉक्स है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और कि ये तो अभी मूवमेंट किया भी नहीं है। इसका जो हाई है वो 2253 रुपये का है और स्टॉक्स अभी भी 1900 रुपये से नीचे मिल रहा है और यहाँ गिर करके आया था 1850 रुपये तक। तो निश्चित रूप से ये स्टॉक्स में भी गिरावट आपको देखने मिलेगा। देखिए 1630 रुपया से 1700 रुपया जो है इसका सपोर्ट रीजन है, तो इसके बीच आपको यहाँ पर बाय करना है। मतलब यहाँ पर जैसे गिरता है स्टॉक्स फिर साइडवेज होगा तो आपको बाय करना है। मतलब मैं पहले ही बता रहा हूँ किस स्टॉक्स को आपको गिरावट में बाय करना है। देखिए गिरावट में ये स्टॉक्स भी काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले हैं बैंकिंग सेक्टर में। ये दूसरा स्टॉक है, पहला HDFC बैंक मैंने बताया, दूसरा है कोटक बैंक, तीसरा स्टॉक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो सपोर्ट रीजन है वो 1700 रुपये के आसपास का रीजन है, यहाँ पर जैसे गिर करके ये साइडवेज होगा फिर आपको बाय करना है। देखिए इसमें गिरावट कल होगी निश्चित रूप से, और उस कल के बाद होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी क्वांटिटी लेना है। जैसे गिरावट हुआ फिर साइडवेज होगा, अब गिरावट हो रहा है तो डायरेक्ट ये ऊपर नहीं चला जाएगा, गिरावट होगा थोड़ा साइडवेज होगा फिर ये ऊपर जाएगा। तो अभी ग्लोबल मार्केट का जो सिनेरियो है काफी डाउन है, देखिए बिटकॉइन भी क्रेश हो रहा है, डाउ जोन्स भी क्रेश हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे सारे जो ये सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है वो आपको काफी नीचे के प्राइस पर मिलेंगे, तो आपको बस तैयार रहना है इस स्टॉक्स को गिरावट में खरीदने के लिए। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है ICICI बैंक। देखिए ICICI बैंक काफी जबरदस्त यहाँ पर रैली दिखाया था, तो अब फिर से ये गिरावट मिलता है तो आपको बाय करना है। 700 के आसपास का इसका सपोर्ट रीजन है, तो जैसे गिरावट मिलता है गिरावट के बाद साइडवेज होगा फिर आपको बाय करना है। देखिए जैसे यहाँ पर गिरावट हुआ, देखिए फिर से गिरावट हुआ, फिर से इसी आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया ये 708-705 के आसपास, और फिर देखिए यहाँ पर रैली हुआ थोड़ा साइडवेज होने के बाद, बस यहीं पर जो स्टॉक्स गिरता है फिर साइडवेज होता है फिर ये रैली दिखाएगा। तो ये सारे स्टॉक्स जो है काफी बैंकिंग सेक्टर के वेल एस्टेब्लिश स्टॉक है, मतलब इन कंपनियों का बिजनेस जो काफी वेल एस्टेब्लिश है, जिसमें थोड़ा सा नंबर खराब आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े से कोई प्रॉब्लम आ जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स है HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक। तो आप इन स्टॉक्स को गिरावट में बाय कीजिए, निश्चित रूप से काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप गिरावट में बाय किए रहते देखिए 16% का आपको रिटर्न प्राप्त होता, 16% FD से तो लगभग 2 गुने से ज्यादा का रिटर्न है। तो ऐसे बेहतरीन रिटर्न के लिए आपको इन स्टॉक्स को गिरावट में आपको बाय करना है। तो ये तीन स्टॉक्स है अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जब गिरावट मिलता है तो इसको बाय करना है,
अभी बिल्कुल भी स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। वैसे मिड कैप जो कि सॉलिड फंडामेंटल्स वाले हैं उसको आप गिरावट में बाय कर सकते हैं, अदरवाइज इन ब्लू चिप कंपनियों के साथ आप रहिए, गिरावट में इसके स्टॉक्स को बाय कीजिए, निश्चित रूप से आप सेफ भी रहेंगे, अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।